राधे राधे गुरु जी, जी। आप हमेशा बोलते हो कि बेटे माँ की ध्यान रखना चाहिए या बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता है, शादी के बाद बेटियों को छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देता है बताओ, कौन छोड़ देता है? माता पिता नहीं छोड़ते, माता पिता, जिसके बेटा नहीं होता वो माता पिता बेटी के पास रहते हैं। नहीं गुरु जी, जब उनको कोई तकलीफ होती है तो बेटी याद आती है, जब बेटी अपने मायके जाना चाहती है तो बेटा बोलते हैं मत आओ, हमारे घर पे मत आओ। कौन बोलता है? भाई। तो वो तो किसी किसी भाई बहन में ऊंच नीच हो जाती है, कहा सुनी तो वो मन मुटाव हो, सारे भाई थोड़ी ऐसे होते हैं। पर माँ तो बेटे की बात ही सुनती है। माँ माँ मजबूर हो जाती है। अच्छा, बेटियों का कोई हक नहीं होता? ना ना, मैं आपको बेटियों की कथा सुना दूं। गौरी गोपाल आश्रम में बहुत सारी माएं ऐसी हैं जिनकी बेटियां छोड़ करके गई हैं। हम तो रोज सब चीजों से देख मिले हैं, आपने संसार को कम देखा है, हमने खूब देखा है। जिन एक माँ है हमारे पास, उस बेटी ने अपनी माँ को घर से निकाला, माँ का घर बेच दिया और माँ को गौरी गोपाल आश्रम में आज भी वो माँ रहती। बेटी ने, बेटों ने नहीं, बहुत सारी बेटियां हैं जो छोड़ गई। एक माँ ऐसी है जो चल नहीं सकती, मतलब बिस्तर पर ही मलमूत्र करती हैं। वो गौरी गोपाल आश्रम में है, उनको वहीं नहलाना पड़ता है, वॉशरूम में ले जाके वहीं शौच इत्यादि कराना पड़ता है, नहवाना, कपड़े पहनाना, सब कुछ वहां करना। कौन छोड़ के गया? बेटी छोड़ के गई। हमारे तो ऐसे होता है, जब जरूरत होती है बेटी की, आँख का ऑपरेशन करवा। कहने की बातें हैं कि माँ बाप बेटी के पास रहेंगे तो बेटी सेवा करेगी, जब करने पे आता है ना तो महीने दो महीने में सबका पेट भर जाता है। ये सब कहने की बातें हैं, ये मोह है संसार का। रियलिटी तो ये है कि कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, बेटियां बेटों की अपेक्षा ज्यादा जुड़ाव रखती हैं माँ बाप से, लेकिन जब करने पे आता है ना तो बेटियां भी हाथ खड़े। सारी बेटियों का हम नहीं बोल रहे हैं, पर जितना हमने देखा उतना हम कह रहे हैं कि बेटियां भी जब करने पे आता है, ये कहने की बातें हैं कि बेटी के पास माँ बाप होते तो कोई वृद्धाश्रम ना जाता। मेरे पास तो कितनी बेटियां छोड़ के गई हैं माताओं को। तो सारी बेटियां ऐसी नहीं हैं और ना सारे बेटे ऐसे हैं, पर कुछ बेटियां और कुछ बेटे ऐसे हैं। आप प्लीज मेरी माँ को बोल दीजिए कि मुझसे बात करे। अच्छा है कि आप ऐसी बेटी हो कि आप अपनी माँ की सेवा करना चाहती हो। कहाँ है आपकी माँ? विशाखापट्टनम। तो आप ले आती तो हम समझाते। आपकी माँ और आप अच्छी हैं कि कम से कम आप जैसी बेटियां हैं, तो आप जैसी बेटियों का होना भी आवश्यक है कि जो माँ बाप की सेवा। हमेशा लगता है कि हम सिर्फ दौलत के लिए उनसे प्यार करते, पर ऐसी बात नहीं होती है। मायके में जाना बिल्कुल बंद करने से बेटी पे क्या गुजरता है वो उनको नहीं। तो आप जाते रहो, माँ बुलाती नहीं है क्या? नहीं, वो बोलती है भाई नाराज हो जाता है, मत आया करो। तो भाई से बना के चलो ना थोड़ा थोड़ा। वो छोटा है मुझसे, तो समझाओ छोटे को। वो सुने, वो दारू इसुश में लग गया है, उनको लगता है कि मैं आऊंगी तो उनसे कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी, करूंगी, उनको ऐसा है। नहीं, आजकल लड़कों के अंदर ना ये गलतफहमी, लड़कों के अंदर क्या, माताएं करती भी कुछ, माताएं ऐसा करती हैं कि बेटी आई तो चुपके चुपके से बांध बांध के दे देती है, पापड़ ले जा, अचार ले जा, घी ले जा। तो बेटा फिर भौजाई क्या कहती, देखो तुम्हारी माँ लुटा रही है, सारा जजायत लुटाई दे रही है, बेटी आई रक्षाबंधन आई सारा लुटा दिया। तो भाइयों के मन में आ गया कि बहन तो सब ले गई, तो क्या गलत वहमी हो गई। अच्छा, माताएं भी ना चोरी चोरी देती हैं, छुपके छुपके, अरे सामने दें अचार चावल पापड़ चावल जो भी दें तो अच्छा भी लगे। उस चक्कर में आप ले आई होंगी अचार दो चार किलो, तो भाई को लगा ले गई पूरी दौलत, इस चक्कर में आना बंद कर दिया उसने। अभी रक्षाबंधन आ रही है, भौजाई बिल्कुल ना से आंख फाड़ के देखी क्या ले जा रही है ना। और माताएं भी कम नहीं है, कितना समझाओ कि खुले में दो, बहू से कहो बहू जरा अचार दो, पापड़ दो, घी दो, नहीं चुपके से जरूर सब देने के बाद चुपके से कुछ और देंगी, तो बहू को लगता क्या जायदाद दे रही है ये। तो बहू भी तो अपने घर से लेके आती होगी ना, बहू भी तो अपने घर से लेके आती। लेकिन कौन समझा, यही तो प्रकृति है, ये गोल गोल है संसार। धन्यवाद गुरु जी, खुश रहो, कोई बात नहीं, वहां सम्मान ना मिले हम आपके भाई, खुश रहो, गौरी को पलाया करो। हमारा हाथ सदा आप जैसी बहनों के लिए बढ़ा। धन्यवाद गुरु जी, खुश रहिए।